बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एन टी एस टेस्टमास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था 10,000 कंप्यूटर एमसीक्यूज का, जो कि लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जूनियर क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी तमाम के लिए यकसाम उम्मीद है। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखें। 61 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि आईबीएम 1401 ये क्या था? ये सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर्स था। आईबीएम 1401 वाज अ सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, 62 नंबर, चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। पहले जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे और बहुत ज्यादा की, तकरीबन एक कंप्यूटर में 19,000 ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे वैक्यूम ट्यूब, और इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा था। लेकिन ये है कि इस जनरेशन ने कंप्यूटर का बुनियाद रखी, इस वजह से कंप्यूटर चल पड़े और कंप्यूटर ईजाद होना शुरू हो गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखे, 63 नंबर क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो डेवलप्ड ड्यूरिंग, ये याद रखिए दोस्तों कि ये जनरेशन जो है ना, इनकी एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता। कोई किसी भी एक किताब में लिखा हो गया 1946 से 55 तक, दूसरी में 1947, किसी में 1949, लेकिन इतना है कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1955 तक चली थी और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये 56 से 65 तक। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि पहले जनरेशन कंप्यूटर में 19,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, तो आप खुद सोच ले कितना कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। और वो उसके लिए हर वक्त उसमें फॉल्ट जो होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट्स उसमें हर वक्त आते रहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखे, 65 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एस स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आए थे, ठीक है। फर्स्ट जेनरेशन में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ओसीआर जो है ना, ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप किसी परस करें, आपके पास रिटर्न फॉर्म में कागज है, आप उसको उसके टिक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ओसीआर दे दे, आप उसका टिक्स वर्ल्ड में कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिस तरह मर्जी आप उसमें चेंजेस कर ले। और ये क्या है, इट इज अ वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इनसाइड इमेजेस। ऑप्शन बी देखे, ओ एम आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडिंग। ये हम आप लोग जो पेपर देते हैं ना, और उसमें फिलिंग करते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह खाने को आप फिल करते हैं, तो इसी चीज को जो कंप्यूटर में चेक करते हैं, तो वो ओ एम आर चेक करता है, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। एम आई सी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक एंक करेक्टर रिकॉग्निशन, बैंकिंग सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखे, 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर इन डीपीआई, डॉट पर इंच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखे, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कंटिन्यूस डेटा को रीड करते हैं, जिस तरह साउंड, स्पीड, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो
तो एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड पैरेलल, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन को, हू डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC, ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर मेड इन 1945 एंड इट वॉज डिवेलप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71, Who invented the high-level language C? C कहते हैं कि this is not high, this is a middle-level language. इसमें low-level language के facilities या features भी हैं. Anyhow, इसको characterize किया गया है as a high-level language. और ये Dennis Ritchie ने develop किया था Bell Laboratories में. I think Bell Laboratories में था. Question number 72 देखे. 72, personals who designed program, operate and maintain computer equipment refer to people where. People where का मतलब क्या है? People where ये वो लोग होते हैं. It refers to the work done by people in the computer industry. Option C. Question number 73 देखे. An error in software or hardware is called a bug. Computer के में जो error आता है उसको bug कहते हैं. इसका alternative word क्या है computer में? That is glitch, GLITCH, option D is the correct option. Question number 74, 74 number question ko dekhe, modern computer are very reliable, where they are not infallible, option C, they are infallible mean without any error, option C is the correct option. Question number 75, dekhe 75 number question ko, पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, उस बोर्ड को कहते हैं क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोर्ड, उसको मदर बोर्ड कहते हैं, इट्स ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय डेडिकेटेड, डेडिकेटेड वक्फशुदा कंप्यूटर, जब अगर आप नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं तो नेटवर्क में एक होता है सर्वर, सर्वर मूवमेंट डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, यानी वो एक ही काम करते हैं, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, 77 नंबर क्वेश्चन, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कॉन्टेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, मॉडेम उसमें लाजमी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 देखे, 78 नंबर क्वेश्चन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं और कंपाइलर जो है एज अ होल, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखे, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये देखिए ये वो इंटरप्रेटर की बात है, लाइन बाय लाइन यानी ये एक प्रोग्राम तो उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अ स्मॉल आर इंटेलिजेंट डिवाइस डेट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कॉन्टेन्स विद इन इट अ सेंसर, ऑप्शन D is the correct option. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।